close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. इस तरह से बाज की आपको लुक देखने को मिल जाती है एंड इस तरह से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। फिक्स साइज आपको इसमें मिल जाता है, बाकी आप इसको एडजस्ट अपने साइज के हिसाब से करवा सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका और नई वीडियो में। सो आज की वीडियो में लेके आऊँ स्पेशल एक एक्सक्लूसिव बाज, बहुत ही बढ़िया लुक वाइज मेरे को लगी एंड आपको बता दूंगा पूरी फुल डिटेल इसको। वीडियो को एंड तक आप जरूर देख लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत बाज को खरीदने में नहीं आए। सो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ में ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके टाइम से, एंड वीडियो कर दे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आजकल, तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको वॉच के बारे में फुल डिटेल मिल सके। तो बिना टाइम ख़राब किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है डैनियल क्लीन का बॉक्स इस तरह से, तो लोगों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको खोल देते हैं। इस तरह से वॉच की आपको लुक देखने को मिल जाती है। तो चलिए वॉच को आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। तो अराउंड में आप वॉच की लुक इस तरह से देख पाएंगे। इस तरह से आपको वॉच की लुक मिलेगी, काफ़ी अच्छी लुक देखने को इस वॉच की लग रही है। इस तरह से अराउंड में आपको इसकी लुक देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव लिखा नज़र आपको आएगा एंड इस तरह से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। फिक्स साइज आपको इसमें मिल जाता है, बाकी आप इसको एडजस्ट अपने साइज के हिसाब से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा जो स्ट्रैप में इसका मटेरियल यूज़ किया गया है, मेटल का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है और स्टेनलेस स्टील मेटल इसमें यूज़ की गई है। यहाँ पे आप कलर का मिक्सर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया लुक में यूज़ किया गया है। और उसके बाद ये वॉच आपको मिलती है एक्सक्लूसिव जेंट्स एनालॉग मेंस वॉच। तो स्ट्रैप कलर इसमें आपको सिल्वर मिल जाता है एंड विड्थ की मैं इधर बात करूंगा तो 22 mm की विड्थ आपको इसमें मिल जाती है। बाकी यहाँ पे डायमीटर इसका आपको 43 mm का मिल जाता है। मेटल इसमें यूज़ की गई है स्टेनलेस स्टील एंड कलर की यहाँ पे मैं बात करूँगा डायल की तो ब्लू कलर में आपको मिल जाता है। क्रिस्टल ग्लास इसमें यूज़ किया गया है। एनालॉग डिस्प्ले आपको मिल जाती है और साथ में ही राउंड शेप में इसका डायल आपको मिल जाता है। मूवमेंट आपको क्वार्ट्ज बात इसमें मिल जाती है। वाटर रेजिस्टेंट की बात यहाँ मैं करूँगा तो 30 मीटर की आपको इसमें मिल जाती है। उसके बाद डायल की अगर मैं बात करूँ इंटरनली और आउटर डायल की, तो आउटर में आपको सिल्वर का इसमें केस आपको मिल जाता है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। एंड इंटरनली मैं बात करूँ तो फुल ब्लू कलर में आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्टिक नंबर भी आपको दिए गए हैं टाइम देखने के लिए, तो काफ़ी बेटर लुकिंग इसमें आपको देखने को मिल रही है। ब्रांडेड DK वॉच है। यहाँ पे नंबर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से 60 तक आपको दिए गए होंगे एंड यहाँ पे लोगो आप डैनियल क्लीन का देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव डैनियल क्लीन वॉच। यहाँ पे अगर डायल की बात करूँगा तो 3 sub-dial आपको दिए गए होंगे डिफरेंट पर्पज़ के हिसाब से। यहाँ पर आपको ड्यूल टाइम का दिया गया है, 24 hours आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेज का फॉर्मेट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लॉक को रिमूव करेंगे और टाइम सेटिंग की बात यहाँ मैं करूँगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे 2 push button दिए गए हैं, तो ये सिर्फ आपको आवर सेट करने के लिए दिए गए हैं। 12 का फॉर्मेट रखना या 24 या 24 का फॉर्मेट रखना, तो यहाँ से आप इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसको बैकवर्ड कर सकते हैं जहाँ पे आपने इसको 24 hours सेट करने हैं। उसके बाद आपका क्रोन जो है इसको आप पूरा बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से आप इसको टाइम को सेट कर पाएंगे और यहाँ भी आपका 7 के 7 ड्यूल टाइम आपका चलेगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से आपका टाइम यहाँ पर सेट हो जाएगा। और ये जो आपका एक डेट का फॉर्मेट है, इसको आप इस तरह से सेट करेंगे, क्रोन को हल्का सा अंदर करेंगे और इसको आप फॉरवर्ड रोटेट करेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे डेज आपके
सॉरी डेट यहाँ से चेंज हो पा रही है। अब बात आती है डेज़ की, तो डेज़ के लिए आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। 24 आवर आप इसको रोटेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से डेज़ चेंज हो जाएंगे 24 घंटे के बाद। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, एक दो मिनट यहाँ पे आपको लग सकते हैं वेट करने के लिए। 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से इसकी जो नीडल्स है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप इसमें टाइम सेट कर पाएंगे। ओवरऑल इसकी मैं प्राइस की बात करूँगा तो 6750 के करीब इसका आपको प्राइस पड़ जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको आप परचेज़ कर पाएंगे। बाकी मॉडल नंबर से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों रिव्यू आपको कैसा लगा इस बात का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। एंड वीडियो को करते हैं पे क्लोज। मुझे लगता है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। और साथ में ही इस तरह की वीडियो आपको अगर देखना पसंद है तो टाइम टू टाइम आपके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँच सके टाइम से। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, भगवान करे आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।